नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। उत्तराखंड में आसमान से आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से लोगों का घर से निकलना दुभर है, तो कहीं बारिश में घर ढह रहे हैं, कहीं पूरी पूरी सड़क बही जा रही है, तो कहीं बारिश के मलबे में लोगों का वाहन फंस गया है, तो कहीं नदी में पूरा पूरा रेलवे ट्रैक समा गया है। उत्तराखंड में आफत की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश में काफी नुकसान होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि नैनीताल में भारी बारिश के चलते हल्द्वानी का गौला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते आवागमन पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। टनकपुर, सितारगंज, चंपावत, नानकमत्ता समेत पीलीभीत को जोड़ने वाला ये पुल का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते गोला पुल के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं जोरासी क्षेत्र में बारिश से भारी मलबा आने से बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। वहीं काठगोदाम में रेलवे ट्रैक गोला नदी में समा गया है। ऐसे में जान माल का नुकसान ना हो, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वहीं बारिश के चलते कुमाऊं में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार की तड़के भिकियासैंण के रापड़ गांव में मूसलाधार बारिश से आनंद सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 60 वर्ष के मकान में मलबा गिर गया। कुछ समझ पाते तब तक पहाड़ी मलबा से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। आनंद सिंह नेगी की पत्नी उषा उम्र 55 वर्ष ने भागकर जान बचाई, जबकि आनंद सिंह नेगी व उनके बड़े भाई गोवर्धन सिंह की लड़की के दो बच्चे तन्नू पुत्र मदन सिंह 12 वर्ष व किरण पुत्री मदन सिंह उम्र 16 वर्ष के दो किशोर मलबे में दब गए। इसके अलावा बागेश्वर के कपकोट के भनार गांव के गिरीश चंद्र सिंह पुत्र गोविंद सिंह उम्र 37 वर्ष रास्ते में पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा बागेश्वर में सरयू गोमती का जलस्तर खतरे के निशान से केवल 1 मीटर नीचे बह रहा है। वहीं खैरना क्षेत्र में 3 मकान चिपरा नदी के बहाव में बह गए हैं। फिलहाल जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि चिपरा नदी का वेग बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के मुनादी कराकर बाजार खाली करने का आह्वान किया गया है। नैनीताल के अति संवेदनशील इलाकों के लोगों ने दहशत के बीच रात काटी। नैनी झील के निकासी द्वार खोलने से निकले पानी ने नाले के आसपास के मकान में रहने वालों में खलबली मची रही। यहां हल्द्वानी काला ढूंगी रोड तथा भवाली रोड बंद होने से संपर्क कटा है। मंगलवार सुबह अखबार व दूध की सप्लाई भी बंद रही। बारिश से जिले की 1 दर्जन से अधिक सड़कों पर यातायात ठप है। झील के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पानी नयना देवी मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा बोट हाउस क्लब के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया है। लोअर मॉल रोड तक झील का पानी पहुंच गया है। चंपावत में बारिश से कई जगह भूस्खलन होने से मकानों को खतरा पैदा हो गया है। शारदा, लोहावती, गंडक, लदिया समेत अन्य नदी नाले उफान पर हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।